इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश आखिरकार में उज्जवल रमण सिंह के रूप में बुधवार को पूरी हो ही गई। प्रयाग की राजनीति को पढ़ने वाले लोग बता रहे हैं कि उज्जवल कांग्रेस का बस चेहरा ही होंगे, असल में लोकसभा चुनाव तो उस गठबंधन की सहयोगी सपा ही लड़ेंगी। इसके कारण भी हैं, एक ये कि कांग्रेस के पास यहाँ ना कोई मजबूत जनाधार है और ना ही चुस्त दुरुस्त संगठन। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े यही बताते हैं कि कांग्रेस की यहाँ कोई ज़मीन नहीं बची। कांग्रेस नेताओं को भी इसका आभास है कि गठबंधन में ये सीट उनके खाते में बेशक है, लेकिन चुनावी नैया पार लगाने के लिए सपा को ही खेवैया बनाना पड़ेगा। कांग्रेस नेतृत्व ने लगातार यहाँ मजबूत प्रत्याशी की तलाश की, कुछ स्थानीय नेताओं को राजी करने का प्रयास किया, लेकिन उनके इनकार के बाद दूसरा कोई चारा नहीं बचा। ये सबको मालूम ही है कि कांग्रेस का ना तो यहाँ मजबूत संगठन खड़ा हो सका है और ना ही उनका इतना जनाधार है कि पार्टी अपने बलबूते बीजेपी जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी को टक्कर दे सके। स्थानीय नेताओं की ना के बाद पार्टी ने फिल्मी चेहरों को भी टटोला, जो अपने बलबूते भीड़ और समर्थक जुटाकर चुनाव को लड़ाई लायक बना सके। हालांकि इसमें भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। आखिरकार कांग्रेस को सपा के पूर्व विधायक उज्जवल रमण सिंह को पार्टी में लाना पड़ा। उज्जवल करछाना सीट से विधायक रह चुके हैं, क्षेत्रीय स्तर पर उनका और पिता रेवती रमण सिंह का भी कुछ प्रभाव है। बावजूद इसके उज्जवल की लोकसभा पहुंचने की राह आसान कतई नहीं है। सपा ने गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के लिए इलाहाबाद सीट छोड़ी है, जबकि फूलपुर से वो खुद अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वैसे पिछले चुनावों का हाल देखें तो सपा प्रत्याशी कांग्रेस से काफ़ी आगे रहे हैं। 1991 से 1919 के बीच हुए 8 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ एक बार अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाए। ये जमानत भी 1999 के चुनाव में बचाई प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने। फिलहाल तो वो भाजपा की इलाहाबाद सीट से ही सांसद हैं। इसके अलावा 1991 में कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शास्त्री को 15.91 और 2014 में नंद गोपाल गुप्ता नंदी को 11.49% वोट ही हासिल हो सके थे। बाकी उम्मीदवारों को 7% से भी कम वोट नसीब हुए। वहीं सपा ने 1998 के चुनाव में इलाहाबाद सीट पर पहली बार सीधे अपना प्रत्याशी उतारा। फिर 6 बार के आम चुनावों में 2 बार रेवती रमण सिंह सांसद चुने गए, 4 दफ़ा सपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। अब कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उज्जवल भले ही पंजे के निशान पर चुनाव लड़े, बगैर साइकिल की सवारी के उनका कोई भला नहीं होने वाला। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इलाहाबाद संसदीय सीट की 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। सिर्फ कोराब में पार्टी उम्मीदवार को 10% से अधिक वोट मिले, बाकी 3 विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों को 2% भी मत हासिल न हो सके। मेजा में तो 1% भी मत नहीं मिले। सपा का प्रदर्शन देखें तो मेजा से संदीप पटेल ने जीत हासिल की, बाकी 4 सीटों पर भी सपा प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में रहे। कोराब को छोड़कर बाकी विधानसभा सीटों में सपा को करीब 40% वोट मिले।